कुछ समय के लिए आपको मालदीव छोड़ गुजरात आना होगा। गुजरात में पीएम मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को रोड शो करता देख इस इस्लामिक देश के लोगों की पहली प्रतिक्रिया आई है। संयुक्त अरब अमीरात के लोग भावुक हो गए हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद के स्वागत में खड़े हजारों भारतीय लोगों को देख संयुक्त अरब अमीरात के लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। ये लोग बोल रहे हैं कि भारत की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। याद रखिए कि ये वही गुजरात है जिसके नाम पर दुनिया भर के मुस्लिमों को मोदी के खिलाफ भड़काया गया। लेकिन अब देखिए कि इसी गुजरात में अपने राष्ट्रपति को देख संयुक्त अरब अमीरात के लोगों ने क्या कहा है। संयुक्त अरब अमीरात के एक मशहूर व्यक्ति हसन सजवानी ने कहा है कि गुजरात में शेख मोहम्मद बिन जायद के स्वागत में आए हजारों लोगों को देखिए, इन लोगों का हुजूम देखिए, मेरे पास इन लोगों का शुक्रिया करने के लिए शब्द कम पड़ गए हैं। हसन सजवानी ने कहा कि आपने हमारे राष्ट्रपति का स्वागत किया है, अब आप सभी हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे। अब इस दूसरे व्यक्ति को देखिए, ये बोल रहा है कि भारत अपने मेहमानों का ऐसे स्वागत करता है। बहरहाल संयुक्त अरब अमीरात को वाइब्रेंट गुजरात में बुलाकर पीएम मोदी ने अब तक का सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। सालों से गुजरात दंगों के नाम पर रोटी सेक रहे करोड़ों लोगों के मुंह से मोदी ने निवाला छीन लिया है। आप जानते ही हैं कि गुजरात के मुसलमानों का नाम लेकर 60 से भी ज्यादा मुस्लिम और यूरोपीय देशों की सरकारों, एनजीओ और मीडिया संस्थानों ने मोदी को खूब कोसा। अमेरिका ने तो मोदी को वीजा तक नहीं दिया था। यहाँ तक कि दुनिया भर के करोड़ों मुस्लिमों और फर्जी बुद्धिजीवियों को गुजरात की एक तरफा खबरें दिखाकर मोदी के खिलाफ भड़काया गया। लेकिन आज पीएम मोदी ने इन सभी की दुकानों पर ताला लटका दिया है। आप एक बार पीएम मोदी का पलटवार करने का तरीका देखिए। सबसे पहले तो पीएम मोदी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अहमदाबाद में रोड शो किया था, वही अमेरिका जिसने गुजरात के नाम पर मोदी को वीजा नहीं दिया था। उसके बाद अब पीएम मोदी मुस्लिम देश को ही गुजरात लेकर पहुंच गए हैं। आपको याद दिला दें कि कुछ समय पहले ही बीबीसी जैसे संस्थान ने गुजरात दंगों पर एक बार फिर डॉक्यूमेंट्री बनाकर पीएम मोदी के खिलाफ नया षड्यंत्र शुरू करने की कोशिश की थी। लेकिन आज बीबीसी और सभी मोदी विरोधी गुजरात की सड़कों पर संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति को देखकर खून के आंसू रो रहे होंगे। पीएम मोदी ने बता दिया है कि उन्हें जो छेड़ता है मोदी उनको छोड़ते नहीं है। गुजरात की सड़कों पर संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति को देखकर भारत के मुसलमानों का क्या कहना है वो भी देखने लायक होगा। वैसे जाते जाते आपको ये बता दें कि दुबई और अबू धाबी में भव्य मंदिर बनवाकर संयुक्त अरब अमीरात ने बिलबिला रहे कट्टरपंथियों के जख्मों पर नमक भी छिड़क दिया है। इतना ही नहीं, अबू धाबी में हिंदू मंदिर का उद्घाटन तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को करने वाले हैं।